ऋषिकेश से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंडी समिति अध्यक्ष ने 13 जून को अपनी जांच कराई थी। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद से कृषि महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कृषि मंडी को 7 दिन के लिए पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर IDPL हाट में जो कृषि मंडी है वो लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंडी को 7 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद करने के जो है वो आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर IDPL हाट में जो है कृषि मंडी लगेगी। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं बढ़ते चले जा रहे हैं प्रदेश में, और कोरोना अपने पैर पसारता चला जा रहा है। तो वहीं जो कोरोना की आंच है वो अब कृषि उत्पादन मंडी समिति तक भी पहुंच चुकी है। तो वहीं हमारे सहयोगी राव राशिद हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे कि 7 दिन के लिए मंडी तो बंद कर दी गई है, वहीं 7 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। तो जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वहां पर किन चीजों का ध्यान रखा गया है, किस प्रकार से वहां पर मंडी लगेगी, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, और क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से वहां पर दी गई है? देखिए, ये जो पूरी रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की, ये कल ही आई है। जो आधिकारिक जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है कि जो मंडी समिति अध्यक्ष हैं, एक पूर्व सभासद है, और इसके अलावा 2-3 व्यापारी और कुछ श्रमिक हैं वहाँ के, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। उसके बाद से ही तत्काल जो मंडी है उसको सील कर दिया गया है 7 दिन के लिए। 24 तारीख तक मंडी सील रहेगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर IDPL में एक हाट लगती है, वहां पर मंडी को संचालित किया जाएगा जब तक ये मंडी बंद रहेगी। और वहां इंतजाम आज सुबह से ही जुटाने शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो इंतजाम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी मंडी कैंपस में आरती थे, श्रमिक थे, और इसके अलावा जो मंडी समिति का जो स्टाफ है कार्यालय का, उन सभी को DM ने क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं, और इसकी जिम्मेदारी जो मंडी समिति की सचिव हैं उनको दी गई है। इसके साथ ही जो मंडी कैंपस है उसके सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है, और पुलिस भी वहां पर तैनात कर दी गई है। जी राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।